मेरा नाम साइवन है सर, आपने इतनी बड़ी फिल्म की है आप, और तो आपने इसमें सर आपका क्या क्या कहना चाहेंगे कि इतना बड़ा बड़ी फिल्म मिली है? मतलब कौन सी फिल्म की बात कर रहे हो, अमेरिका की बात कर रहे हो या नहीं, जो आपकी अब इसमें आप राइटर हो वो फिल्म के बारे में बात कर रहा हूँ, जो आपकी आने वाली फिल्म है हाँ, तो उसके बारे में बता रहे हैं। नीरजा जी हाँ, वो एक रियल लाइफ बहादुर लड़की की कहानी है जिन्होंने अपनी जान दी 359 लोगों की जान बचाते हुए, जब वो पैन अमेरिकन एयरवेज में काम करती थी एज हेड पर्सन, और वो प्लेन जा रही थी मुंबई से न्यूयॉर्क, और कराची में हॉल्ट हुई थी और 4 लिबियन टेररिस्ट ने उसमें एंट्री की थी। तो एक असली कहानी है, एक रियल लड़की की कहानी है। तो मुझे आइडिया सूझी और मैंने जाके शांति शिवराम जो प्रोड्यूसर है फिल्म की अतुल कसबेकर के साथ, उनको प्रेजेंट किया, उनको अच्छा लगा, और मैंने कहा था ये स्टोरी सबसे अच्छा सोनम कपूर प्ले कर सकती है, और उन्होंने एग्री किया और सोनम को जाके बताई कहानी, और सोनम को पसंद आई कहानी। और मेरी कॉम मेरी पहली पिक्चर थी, जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा वाली जी, और जिसे उमंग कुमार ने डायरेक्ट किए और संजय लीला बंसाली ने प्रोड्यूस किए, और ये मेरी दूसरी पिक्चर है। तो आपकी सर कब से आपने स्टार्ट किया आपका जो राइटर? मैं 10-12 साल से राइटर हूँ, लेकिन फिल्म राइटर हूँ पिछले 6-7 साल से। फिल्म से नहीं, मैंने टेलीविजन में काफ़ी काम किया है एज ए नॉन फिक्शन राइटर, म्यूजिक बेस्ड फिल्म बेस्ड शोज को स्क्रिप्ट्स को लिखा है मैंने, लेकिन फिल्मों का तो अभी सफ़र शुरू ही हुआ है। तो आपकी तो बहुत बड़ी फिल्म है, और आपकी तीसरी फिल्म कौन सा? जी मैं सुभाष जी के साथ काम करूँ, सुभाष घाई के साथ, वो मुक्ता आर्ट्स को फिर से रिवाइव करना चाहते हैं, तो उनकी कहानी है, मैं उस पर तो सुभाष घई के साथ ही एक, अभी तक तो और कोई फाइनल नहीं हुआ है, सिर्फ सुभाष घई के साथ एक है। सीरियल में आप बता रहे हैं, अभी आपने कहा कि सीरियल भी लिखने, सीरियल मैंने लिखा नहीं है अभी तक, मैं नहीं लिखा, केवल ओनली फिल्म के लिए। जी हाँ, पिछले 6-7 साल से सिर्फ फिल्में लिख रहा हूँ। तो ये पहली फिल्म आपको कैसे मिली थी, इतना बड़ी मैरी कॉम? वो भी मेरा ही आइडिया था, जब मैं और उमंग साथ में काम करते थे, हमने दो स्क्रिप्टें लिखी थी, लेकिन वो हम बना नहीं पाए किसी कारणवश, तो उन्होंने बोला किसी फीमेल ओरिएंटेड फिल्म पे काम करते हैं, तब मेरे दिमाग में आई और मैंने उनको बताया और उनको पसंद आई। सर, स्ट्रगल लाइफ के बारे में आप बताओ, जब मुंबई आपने स्ट्रगल किया? मैं तो मुंबई का ही हूँ, पैदाइश मेरी दुबई में हुई, लेकिन 2 साल की उम्र में बॉम्बे में हूँ। स्ट्रगल तो क्या, जिंदगी स्ट्रगल है, तो वो तो हर कोई झेलता है। तो पढ़ाई 12वीं तक की है मैंने, उसके बाद पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया क्योंकि पैसे नहीं थे घर पे। लेकिन ये राइटिंग लाइन में आपका कब से प्लान था, बचपन से? बचपन से मैं जानता था कि मैं मीडिया में कुछ करूँगा, लेकिन मैं राइटर बनूंगा मुझे पता नहीं था, लेकिन 7वीं कक्षा से मैं कविताएं लिखता था, तो शायद वहीं से जाके कई कविताएं से मैं कहानियां लिखनी शुरू कर दी, और कहानियों से लेके अभी फिल्म तक। तो अभी तक आपको इतनी बड़ी बड़ी फिल्में आपने किए, 2 फिल्में, एक मैरी कॉम है और नीरजा है, तो अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? कि नहीं, खुशी महसूस होती है कि 2 रियल लाइफ हीरोज की कहानियों को मैं दुनिया तक पहुँचा पाया हूँ, क्योंकि मेरी कॉम 5 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन है, लेकिन कोई जानता नहीं था, लेकिन आज मेरी कॉम सबको पता है कि मेरी कॉम कौन है। और नीरजा की कहानी 1986 में मेरी कॉम की कहानी, आपने किस प्रकार रियल कहानी है वो, लेकिन मेरी कॉम खुद आई है, तो आपको ये आइडिया कैसे मिला कि ऐसा हमें उनके ऊपर कहानी बनाने का? मैं उनकी कहानी को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा था और स्पोर्ट्स पेजेस पढ़ के, और मैंने जब
फिल्म बनाने की सोची या फिल्म उसके ऊपर कहानी लिखने की सोची, तो मैंने देखा कि इनकी कहानी पे बहुत अच्छी फिल्म बनाई जा सकती है। हर किसी की रियल लाइफ के ऊपर कहानी नहीं बनाई जा सकती जो इंटरेस्टिंग लगे, लेकिन एक लड़की है जो दुनिया से लड़के बॉक्सर बनती है, तो मतलब उसी में बहुत सारी यूनिक चीज़ें हैं जो शायद दर्शकों को देखने में मज़ा आएगा, तो इससे मैंने वो कहानी चुनी। मेरी कहानी सुपर हिट हुई है, कहानी भी बहुत अच्छा है। थैंक यू, जबरदस्त लगी। थैंक यू। इसमें कहानी कैसी है इसके बारे में बता दो। मैं जैसे मैंने आपको पहले बताया कि है जहाँ पर एक 23 साल की लड़की ने अपने पैसेंजर्स की जान बचाते हुए खुद अपनी जान दी। 1986 में ये इंसिडेंट हुआ 5 सितंबर को जब उनकी मौत हुई, लोगों को 3 बच्चों को बचाते हुए, पैसेंजर्स को बचाते हुए, और फिर उसके लिए उनको अशोक चक्र अवार्ड मिला है। और किसी को ये कहानी पता नहीं है, और अब जाके लोगों को पता चलेगी। कैसे आपको आइडिया कहानी कैसे मिली थी इसके बारे में? दिमाग में आया था, मैं 5 साल पहले तो मैंने स्टोरी पढ़ा था, कभी ये नहीं सोचा था कि इसके ऊपर फिल्म बनाऊंगा या फिल्म लिखूंगा। लेकिन मैं मेरी कॉम के बाद सोचा था कि मेरी अगली पिक्चर कौन सी होनी चाहिए, और नीरजा की कहानी ध्यान में आई और मैंने लिख दिया। सर अभी तक आपने 2 फिल्में बड़ी बड़ी किसी कहानी के आधार पर बनाई, अब आपकी जो अभी है तो किसी कहानी के आधार पर है कि जो है? नहीं, वो फिक्शनल है, वो सुभाष घई ने खुद कहानी लिखी है और उनकी कहानी पे मैं स्क्रीन प्ले लिख रहा हूँ, तो रियल लाइफ या बायोपिक नहीं है। मैं हर वक्त बायोपिक नहीं करना चाहता, लेकिन एक ही टाइप के जॉनर में नहीं फंसना चाहता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं आगे रियल लाइफ स्टोरीज पे काम नहीं करूँगा। तो इसके आगे भी कोई और प्रोजेक्ट आपके आपके मन में कहानी तो होगी बहुत सारी, तो है 3-4 है, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊँगा क्योंकि जब उसका वक्त आएगा तभी बताऊँगा। थैंक यू। ठीक है। थैंक यू।